देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मैनपुरी थाना क्षेत्र के नबीगंज क्षेत्र में खाद बीज का व्यवसाय करने वाले व्यापारी का कोई सुराग नहीं लगा है। वे अपने घर से बीती रात्रि तगादा करने की बात कहकर गए थे। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। नबीगंज निवासी लालाराम सक्सेना की नबीगंज में साई खाद एवं बीज भंडार की बड़ी दुकान है। बुधवार की रात करीब 9 बजे नबीगंज में लगी आलू मंडी में किसानों से तगादा करने की बात कहकर वे घर से निकले थे। तब से उनका कोई सुराग नहीं लगा है। दुकान से कितने समय की बात दी है? ये हम तो होश में ही था, लड़की को चाबी दे के रात के ऐसे 8 साढ़े 8 को चले गए। जैसा कि उनकी बिटिया ने बताया और चाबी दे के बिटिया को ये कह के कि बिटिया कबाड़ लगा लो, और उसके बाद अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है और पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। सी ओ साहब भी हमारे जो है, सी ओ भोगाव साहब, इंस्पेक्टर साहब सभी इसमें लगे हैं। सर्विलांस टीम भी लगी है और सभी नंबर जो है मोबाइल नंबर ट्रेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने से परिजनों में चिंता बहुत बनी हुई है। व्यापारी की पत्नी माया देवी ने थाने में मामले की तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। मैनपुरी से संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।